जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? आप बेटा इससे साथ कर रहे हैं, आप फ्रंट दोस्त लोज ना फ्रेंड इधर कर रहे हैं, आप लोग जरा साथ साथ ना चेयर इस तरफ कर रहे हैं, इधर से जगह छोड़ रहे हैं, आप साथ में ये अपनी चेयर भर के यहीं से मंगवा रहे हैं, किसी को कह दो जरा मंगवा दो। आप बेटा अपनी चेयर जरा दरम्यान में कर लो, थोड़ी सी आगे ले आओ, फ्लावर कर लो। चले सर जी स्टार्ट करें, कर ली पेज नंबर टू निकाले सर। चले बेटा, जो कल डिस्कशन स्टार्ट हुई थी वहीं से शुरू करें यार। चले कर ली खामोशी प्लीज। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की ये कैंडी जरा थोड़ा सा पीछे कर रखते हैं, फिर ये चेस बड़ी है जरा, मतलब ये बच्चों की जरा चेस छोटी है, यहाँ से बड़ी चेस शुरू हो रही ना, अगर वहीं तक कर लें। सॉरी मैंने थोड़ा सा आगे वैसे कहा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये फिर बच्चे जो पीछे बैठे उन्हें नजर नहीं आए, थोड़ा 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 सा पीछे, यहाँ से ये बड़ी चेस स्टार्ट हो रही है। ये बेटा डिस्कशन स्टार्ट हुई थी हमारी कल प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड, रजिस्टर खोलें जरा, स्टार्ट कर लें बस। जब भी कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की आइटम, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी व्हीकल एक्सेट्रा आप परचेज करेंगे तो इनिशियली हमेशा कॉस्ट पे डेबिट करेंगे, ठीक है जी? इनिशियली हमेशा किस पे डेबिट करेंगे? हाँ, सब्सिक्वेंटली आफ्टर डेबिटिंग द एसेट एट कॉस्ट, सब्सिक्वेंटली बाद में आप चाहें तो कॉस्ट मॉडल भी यूज कर सकते हैं और इवेल्यूएशन मॉडल भी यूज कर सकते हैं। अगर कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे तो उसी कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके जो कैरिंग अमाउंट बनेगी उस पर अपने एसेट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में प्रेजेंट करते जाएंगे, ठीक हो गया यहाँ तक? ठीक है सर। इवन अगर आप रिवेल्यूशन मॉडल अडॉप्ट कर भी लें तो सबसीक्वेंटली रिवेल्यूशन मॉडल अडॉप्ट होना, शुरू में इवन देन एसेट में किस अमाउंट पे डेबिट होना, वो कॉस्ट पे रहना। जब भी कोई एसेट आएगा उसे कॉस्ट पे ही रहना शुरू में, सबसीक्वेंटली आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन फिर दो मॉडल्स। तो मीन्स टू से सेकंड पेज पे अंदर मैंने जो रिवेल्यूशन की एग्जांपल स्टार्ट की थी उसमें एग्जांपल नंबर वन देखो, मशीन की कॉस्ट कितनी थी। तो ये नहीं होना कि पहले दिन ही फेयर वैल्यू, जो पहले दिन की बात नहीं हो रही, एसेट अगर आया तो किस पे ही रहना उसमें, उस वक्त कॉस्ट पे ही होना, फिर हो सकता है कुछ अर्सा गुजर गया हो और फिर किसी सब्सिक्वेंट डेट पे आप रिवेल्यूशन करना चाह रहे हो, ये पहले दिन रिवेल्यूशन नहीं होनी, पहले दिन एसेट ने किस अमाउंट पे रहना और हो सकता है कुछ अर्सा गुजर गया हो और देन आप रिवेल्यूशन मॉडल यूज कर रहे हो। तो व्हाट वाज द सिचुएशन इन एग्जांपल वन, आप काइंडली वहीं से दोबारा शुरू कर लें, उसके बाद डिस्कशन जहां से खत्म हुई थी वहीं से दोबारा शुरू करेंगे, रिवाइज कर लें कल वाला। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द मशीन, क्या कुछ अर्सा उसे इस्तेमाल किया था, कितना डेप्रिशिएट हो गया था एसेट, बोर्ड पे नजर आ रहा है सर, देयरफॉर वो एसेट कितने का रह गया था इस्तेमाल के बाद, किस दिन रह गया होगा, जिस दिन आप रिवेल्यूएशन कर रहे होंगे, जिस दिन आप रिवेल्यूएशन कर रहे होंगे पहला आपका काम ये है कि उस दिन की आपने कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करनी, पहले ये देखना है कि बुक्स में हमारे एसेट रह कितने पे गए,
ठीक है, किस दिन ये काम होना, डेट ऑफ रिवेल्यूशन पे पहला काम आप कैरिंग अमाउंट एस्टिमेट करेंगे या कहने कहने कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से कैलकुलेट हो जाएगी। फिर आप उस दिन की फेयर वैल्यू ढूंढेंगे जो डिफरेंट एग्जामिनर बताए, फिर फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट के कंपैरिजन से आपको पता चलेगा कि कैरिंग अमाउंट ज्यादा है या फेयर वैल्यू ज्यादा है। हमारा रिवेल्युएशन मॉडल में ऑब्जेक्टिव ये है कि एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाए, लेकिन पहले क्या पता होना चाहिए कि वो है कितने पे। तो बिफोर इवेल्युएशन हमारी ये मशीन कितने पे है, 3,50,000, ये कितने पे आनी चाहिए, फेयर वैल्यू पे आनी चाहिए 26 लाख। तो अगर फेयर वैल्यू ज्यादा है तो आप गेन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे या लॉस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर टू में पहले बिफोर वी कंक्लूड द डिस्कशन ऑफ गेन, फिर ये भी हो सकता है कि रिवेल्यूशन डेट सपोज 30 जून 2015, कोई और एग्जांपल में के तौर पर बिल्डिंग ले रहे थे हम, बिल्डिंग की कैरिंग अमाउंट क्या थी रिवेल्यूशन डेट पे, 11 लाख, ठीक है सर। फेयर वैल्यू सपोज थी 1,50,000। रिवेल्यूएशन अगर आप कर रहे हैं तो आपके एसेट ने फेयर वैल्यू पे आना है, चाहे वो फेयर वैल्यू कम है या ज्यादा है। अब कितने वाला एसेट कितने रुपए का मार्केट में रह गया है, 11 लाख रुपीज वाला एसेट 1,50,000 का रह गया है, तो इस केस में फिर हमें गेन एक्सपेक्ट है या लॉस एक्सपेक्ट है, कितना लॉस। तो गेन कब होगा, जब मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, कैरिंग अमाउंट से मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो हम गेन एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, और अगर मार्केट वैल्यू कैरिंग अमाउंट से कम है तो हम लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहले जरा लॉस ही की तरफ फाइनल आ जाएंगे, डिफरेंस समझ आता है 9,50,000। अब जरा आ जाइए जरा अकॉर्डिंग टू आई एस 16 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड है, उसमें फिर इन एक्सपेक्टेड गेन्स और लॉसेस के लिए कुछ टर्म्स यूज होंगे। तो जरा नेक्स्ट सेंटेंस पढ़े 1,50,000 से आगे, देयर इज एन एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ 950,000, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रिवेल्युएशन लॉस अकॉर्डिंग टू आई एस 16। तो रिवेल्युएशन लॉस मीन्स क्या होगा, कि हम लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक हो गया। रिवेल्यूशन लॉस कब एक्सपेक्टेड होगा, जब फेयर वैल्यू कम हो। अब यहां फिर मैंने कल कहा था कि ये एक्सपेक्टेड गेन्स और एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं, क्या इनमें से एक्सपेक्टेड गेन या एक्सपेक्टेड लॉसेस इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में दोनों ने जाना है, या फिर जो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था, लेट मी एक मिनट मैं कंप्लीट करूंगा, फिर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यहाँ जेहन में आना चाहिए। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एंटिसिपेटेड लॉसेस तो इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में जाते हैं, लेकिन एंटिसिपेटेड अगर गेन्स हो तो वो इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाते। तो पहले क्योंकि ये लॉस है तो लॉस की जरा डिस्कशन कंप्लीट करना जी। एसेट कितने पे था बिफोर दिस रिवेल्यूएशन, 11 लाख, और फेयर वैल्यू है 1,50,000। एसेट ने बढ़ना है कम होना, कितने से कम होना, तो ये एंट्री करने का बड़ा तरीका जरा गौर से सुनिएगा। बिल्डिंग हमारे एसेट का नाम है, अगर लॉस है तो हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ी होगी या कम हो रही होगी, तो क्रेडिट हो जाएगा सर। इस केस में कितने से, अगर मैं 11 लाख वाला एसेट 9,50,000 से क्रेडिट करके कम कर दूं, तो फिर ये एसेट हमारा कितने पे आ जाएगा, 150,000 पे आ। और सेकंड इफेक्ट लॉस के तौर पे कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो रिवेल्युएशन लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होके अमाउंट चली जाएगी। अपने हाथ से भी एंट्री लिखे, नीचे लिखी तो भी अपने हाथ से लिखो, किसी बुक पे लिखो, बुक पे लिखो या नेक्स्ट पेज पे लिखी होगी। इधर एसी इधर सारे चेक कर लो, 24 पे चल रहा है, नहीं टेंपरेचर बढ़ गया, बाकी भी देखो। क्या ये एक्चुअल लॉस है सर, लेकिन क्या इवन देन इमीडिएटली रिकॉर्ड हुआ सर? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है मिला जरा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एडमिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहीं याद आते हैं सर? वहां उन एक्सपेंसेस में एक और हेड किस नाम से अपीयर हो रहा होगा, रिवेल्यूशन लॉस के नाम से। इस एंट्री से कोई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के प्रॉफिट पे इफेक्ट आएगा सर? प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा सर? आपके पास जो एंट्री लिखी है उसके नीचे वाली एक लाइन अंडरलाइन करें नेक्स्ट पेज पे, शायद
revaluation loss is recognized in statement of profit loss in the period in which it arises. जिस साल ये loss आया होगा उस साल के फिर profit loss में ये figure चली जाएगी. तो इस entry से क्या क्या effects होंगे loss profit and loss में, और building जो है कितने से कम होके, कितने वाली बिल्डिंग कितने से कम होके कितने की रह जाएगी. 11 लाख वाली बिल्डिंग 9,50,000 से कम होके फेयर मार्केट वैल्यू 1,50,000 का. यहाँ तक ठीक है? प्लीज कोई कंफ्यूजन इस लॉस वाली एंट्री में? क्या करना है सर? ना करें यार, किसी और भाई की तरफ भी थोड़ी सी आवाज आ रही है. नहीं क्या मतलब नहीं चल रहा ये अपने तक रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे? सर जी नीचे जरा, नीचे मीन्स ऊपर जी. मशीन वाली एग्जांपल पे आ जी वापस पिछले पेज पे. अब 2,50,000 का गेन एक्सपेक्टेड है मशीनरी पे. ये बात जरा थोड़ी सी आपके लिए जरा नहीं है, बहुत ध्यान से सुननी है. गेन क्योंकि एक्सपेक्टेड है इसलिए इमीडिएटली इसने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं होता. लेकिन अगर आप रिवेल्यूएशन करना चाहते हैं और गेन आ रहा है और गेन ने प्रॉफिट लॉस में भी नहीं जाना, तो फिर उसकी एंट्री कैसे होती है और वो इफेक्ट्स कहाँ जाते हैं? काइंडली 2-3 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए. सबसे पहले ये डिसाइड कर लें, 3,50,000 का एसेट है और 6 लाख फेयर वैल्यू है. एसेट ने बढ़ना है कम होना? बढ़ना है, लेकिन ऐसे बढ़ना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अफेक्ट ना हो क्योंकि एक्सपेक्टेड गेन. तो तरीका सर इसका ये होता है कि इनिशियली पहले तो एक एंट्री बना लेना, मशीनरी डेबिट कितने से? मशीनरी डेबिट कितने से? 250,000 से. देन जो एक्सपेक्टेड गेन है अकॉर्डिंग टू द IAS 16, ये भी वर्ड ढूंढे पेज नंबर 2 के दरमियान में कहीं, इवैल्यूएशन सरप्लस. एक्सपेक्टेड गेन स्टैंडर्ड में क्या कहलाता है? इवैल्यूएशन सरप्लस. और अगर एक्सपेक्टेड लॉस हो तो रिवैल्यूएशन लॉस. देन बड़ा तरीका इसका ये है कि रिवैल्यूएशन सरप्लस गेन है, एक्सपेक्टेड गेन है, तो ये तो हो गया क्रेडिट. लेकिन प्लीज परेशान नहीं होना, गौर से मेरी बात सुनिए अगली. देन ये रिवैल्यूएशन सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना, एक्सपेक्टेड गेन है. करना क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जरा ध्यान में लानी है. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या क्या होता है उसमें? एसेट्स में क्या होता है? एक मिनट कहां से दें बस, ठीक है ऐसा मैं लिख दूंगा. नॉन करंट एसेट्स में आपके नहीं, इस बिल्डिंग की बजाय मशीनरी पे आ जाओ. ये मशीनरी अब डाटा कहीं अपनी बुक से देखना. अपना बिफोर दिस एंट्री कितने पे आ रही होगी? ना ना ना, बिफोर दिस एंट्री फाइनली कितनी अमाउंट पे आ रही होगी? 350,000 पे आ रही होगी. यकीनन 5 लाख की थी, 1,50,000 डेप्रिशिएट हो गया है. कितनी अमाउंट पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएगी? कैरिंग अमाउंट पे आ रही होगी. तो व्हाट वाज द अमाउंट बिफोर रिवैल्यूएशन? 3,50,000. देन आपने ये अभी एंट्री अगर कर ली तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? 2,50,000 मशीनरी के अमाउंट में प्लस हो जाएगा, माइनस 2,50,000 प्लस होके मशीनरी फेयर वैल्यू पे आ जाएगी. जब भी कभी आप रिवैल्यूएशन करेंगे तो आफ्टर रिवैल्यूएशन आपका जो एसेट है फेयर वैल्यू के बराबर हो जाएगा. अगर लॉस है तो क्रेडिट होके, बिल्डिंग देखें लॉस है तो क्रेडिट होके किस अमाउंट पे आ जाएगा? फेयर वैल्यू पे. और अगर सरप्लस होगा तो डेबिट होके फाइनली किस अमाउंट पे आ जाएगा? तो जब भी रिवैल्यूएशन करेंगे आपका एसेट किस अमाउंट की बजाय किस अमाउंट पे आ जाएगा? कैरिंग अमाउंट जो पुरानी होगी उसकी बजाय फेयर वैल्यू पे आ जाए. तो 2,50,000 अगर प्लस करें तो 6 लाख पे एसेट आ जाए. ठीक हो गया यहाँ तक? तो ये मैंने आपके सामने अभी डेबिट इफेक्ट लिखा है. देन ऑब्वियस इसमें करंट एसेट्स आएंगे, उसके इस वक्त डिस्कशन नहीं हो रही. करंट एसेट्स आगे चले, टोटल एसेट्स हो जाएंगे. इक्विटी पे आए, कल वाली डिस्कशन कर लिया, ध्यान में रखनी है आपने. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले इक्विटी के कल वाले हेड्स बोला, शेयर कैपिटल जो भी अमाउंट होगी, रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर ज़हन में लाएं. चार मेन चीजें बोलें,
brought down retained earnings. Profit for the year, dividend if any, closing balance, जो closing balance होगा वो statement of financial position में आ जाएगा. Then sir, immediately after this retained earnings, ये जो revaluation surplus credit हुआ है, ये profit and loss में नहीं जाएगा, ये equity का part बन जाएगा immediately after retained earnings. रिटेन्ड अर्निंग्स के फौरन बाद एक नया हेड अपीयर हो जाएगा बाय द नेम ऑफ रिवेल्यूएशन सरप्लस. क्या मैंने रिवेल्यूएशन सरप्लस की एंट्री की थी? मशीनरी डेबिट एसेट में डेबिट हो गई और सेकंड इफेक्ट इक्विटी में ही रिवेल्यूएशन सरप्लस के नाम से एक नया हेड अपीयर हो जाएगा. मीन्स से मेरी इस डेबल एंट्री से मशीनरी डेबिट और रिवेल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट होने से What will be the effect on the statement of profit and loss? ये gain profit and loss में क्यों नहीं जाना? Expected gain है. Therefore इस gain को state में आपने कहाँ record करना? Retained earnings की calculation के भी नीचे. क्या इस 2.5 लाख को effect इस retained earnings की amount में है? Retained earnings की amount में क्यों नहीं है? क्योंकि expected gain. तो इस double entry से asset debit और revaluation surplus सिर्फ कहाँ effects आएंगे? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स में और सेकंड इफेक्ट इसका इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद अपीयर हो जाएगा. ठीक है. अब व्हाई दिस डिफरेंस, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एंट्री ऑफ लॉस एंड द सरप्लस. लॉस अगर एक्सपेक्टेड भी हो तो प्रॉफिट लॉस में जाता है, लेकिन गेन अगर एक्सपेक्टेड है तो अभी प्रॉफिट लॉस में नहीं जाएगा जब तक वो एक्चुअल गेन में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा. तो देयरफॉर जब भी एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट हम एंट्री बोलेंगे तो काइंडली आपके जहन में आ जाया करेगा कहाँ कहाँ इफेक्ट जा रहे हैं. नंबर वन कहाँ इफेक्ट जा रहा है? नॉन करंट एसेट्स में और नंबर टू रिटेन्ड अर्निंग्स में. रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद इक्विटी में एक नया हेड किस नाम से अपीयर हो जाएगा? रिवेल्यूएशन सरप्लस के नाम से. और डेफिनेटली फिर ये इक्विटी का एक टोटल हो जाएगा जिसमें जो भी शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स सरप्लस की अमाउंट्स एड होकर अमाउंट बनेगी. नॉन करंट लाइबिलिटीज एज इट इज है और करंट लाइबिलिटीज फिर एज इट इज होंगे. मीन्स उसे कोई और चेंज हमारी एंट्री से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन पर नहीं रहेगा. आपने अब क्या करना है, अपने आप पेज नंबर टू पे आए जरा. पेज नंबर टू के नीचे अगर कोई थोड़ी सी एफर्ट करके जगह बना सकते हैं कहीं, ये बुक पे इसलिए लिखे ताकि जरा जब कभी हमें दोबारा रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो यहीं से मिल जाए. या इससे अगले पेज नंबर टू के राइट साइड पे जरा जहाँ वो छोटी सी वर्किंग हुई हुई है आपके पास, वहां जरा जगह बन जाएगी. तो अगर थोड़ी सी एफर्ट करके जरा शॉर्ट वर्ड्स में लिखना. एंट्री तो होगी भी आपके पास बुक में लिखी हुई है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन ऑफ मशीनरी डेबिट एंड रिवेल्यूशन सरप्लस क्रेडिट जरा इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जी आपने पास बनाया है. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात समझ आ गई प्लीज? इसको टेबल को आगे कर लेते सारे में से पानी निकल. इसको भी जरा देखते हैं, पहले ये टेबल आगे कर दें. चलता है अंदर पानी के गिरता भी मुझे. ये बड़ा बात समझ आ गई प्लीज? अपनी डिवाइसेस वगैरह जरा साइड पे कर ले, उसको बस पानी ना गिरे बाकी चीजें. जी एनी कंफ्यूजन एनी वे सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए और सर जी क्लियर है सर? जी कुछ कंफ्यूज जरूर होगी, कल आप परेशान से जाता है. पहले सर मैं जरा बात पूरी नहीं मैं कर सका था इसलिए जरा कंफ्यूज रह गई.
जी सर नोट कर लेंगे तो बताना प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी सर अगर रिवेल्यूएशन लॉस हो तो क्या काउंटिंग एंट्री किया करेंगे? बेटा वो प्रॉफिट लॉस में रिकॉर्ड नहीं करना होता है, इमीडिएट रिकॉग्नाइज का मतलब होता है कि प्रॉफिट्स पे इफेक्ट ना आए। रिवेल्यूएशन सरप्लस अगर है तो क्या एंट्री किया करेंगे? इसका बड़ा तरीका ये होता है कि सोचने का, अगर सरप्लस कभी भी है तो एसेट बढ़ा हुआ करेगा, तो एसेट के अगर एंगल सोचेंगे तो एंट्री बनाना आसान होता है, और अगर लॉस है तो एसेट कम हो रहा है, तो अगर एसेट कम हो रहा है तो एसेट क्रेडिट लॉस डेबिट, और अगर एसेट बढ़ रहा तो एसेट डेबिट एंड सरप्लस। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन? देन जरा जो हमने पढ़ा अभी उसको जरा थर्ड पेज के स्टार्ट पे आपके पास लिखा हुआ एक कंक्लूजन के एंगल से सेंटेंस पढ़ दो। जी ठीक है बिलासर। एज अ रिजल्ट ऑफ रिवेल्युएशन देयर कुड बी अ रिवेल्युएशन सरप्लस और रिवेल्युएशन लॉस, ऐसे ही सर? या फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से ज्यादा होगी और या फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट से कम होगी। नेक्स्ट सेंटेंस अंडरलाइन करें। After revaluation, value of the asset will be equal to its fair value. सोचें, चाहे surplus है, चाहे loss है, revaluation की entry अगर आप कर लेंगे, तो क्या asset fair value पे आ जाएगा sir? Clear है sir? पिछले page पे देखें example one. अगर 250,000 से entry करें, please consolidate किया करें। अगर 250,000 से entry करें, तो कितने वाला asset कितने पे आ जाएगा? 6 lakh पे आ जाएगा। और अगर 9,50,000 से सेकंड एग्जांपल में एंट्री करें तो 11 लाख वाला एसेट, 11 लाख वाला एसेट 9,50,000 से रिड्यूस होके 150,000 पे आ जाएगा। तो चाहे लॉस हो चाहे सरप्लस हो, आफ्टर इवैल्यूएशन एसेट विल बी इक्वल टू इट्स फेयर वैल्यू, और देयरफॉर नेक्स्ट सेंटेंस आफ्टर इवैल्यूएशन फिर आप कॉस्ट डेप्रिशिएट करेंगे या फेयर वैल्यू डेप्रिशिएट करेंगे? फिर फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर एसेट्स रिमेनिंग यूजफुल। After evaluation, fair value is depreciated over remaining useful life का मतलब हम count किया करेंगे कि revaluation के बाद कितनी इसकी asset की life रह गई है। कैसे count कर सकते हैं हम? अगर हमें total life पता हो और ये पता चल जाए कितने अरसे कितना साल गुजर गए बीच में, तो remaining life count हो सकती है सर। अगर examiner remaining life दे देगा तो वो use कर लेंगे। क्या remaining life का estimate भी change हो सकता है सर? एस्टिमेट्स चेंज हो सकते हैं सर। अगर एग्जामिनर रिमेनिंग लाइफ दे देगा फिर वो यूज करेंगे, और अगर वो ना दे तो क्या टोटल लाइफ में से जो साल गुजर गए उनको माइनस करके रिमेनिंग लाइफ फाइंड आउट की जा सकती है? किस दिन से ऑनवर्ड्स, एक मिनट, किस दिन से ऑनवर्ड्स एसेट फिर फेयर वैल्यू पे डेप्रिशिएट होगा? जब रिवेल्यूएशन हो जाएगी तो आपने फिर फेयर वैल्यू को डेप्रिशिएट किया करना है ओवर द एसेट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ये काइंडली सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक दो दफा वैसे ही देख के बोल रहा था। After evaluation, fair value is depreciated over assets remaining useful. पढ़ने एक नजर दोबारा पढ़ना है तीनों पॉइंट्स। देंद्रा रजिस्टर खोलेगा। वैल्यूएशन मॉडल अगर अडॉप्ट हो जाएगा तो देन फिर आप फेयर वैल्यू पे एसेट को लाके आफ्टर रिकॉर्डिंग द रिवेल्यूशन सरप्लस और लॉस फ्यूचर में जो एसेट की फेयर वैल्यू है उसका रिमेनिंग लाइफ से डेप्रिशिएट करते हैं। एक एग्जांपल काइंडली नोट करेंगे, बुक जरा 2-3 मिनट बंद ही कर दो फिर मैं दोबारा करता हूँ। लेट्स असम सर एक मशीनरी है, ये लिख लो मैं ऐसा एग्जाम्पल।
उसके अपने फर्स्ट टाइम डिवेल्यूएशन की। सपोज 30th जून 2019 और सपोज 5 लाख रुपीस रिवेल्यूशन सरप्लस आ गया, प्लीज छोटी छोटी चीजें सही क्लियर करिएगा मेरे साथ। हमारे पास सपोज एक मशीनरी है, उसका फर्स्ट टाइम हमने रिवेल्यू किया 30th जून 19 पे, 5 लाख रुपीस का रिवेल्यूशन सरप्लस कैसे आ गया होगा, किसको किससे कंपेयर किया होगा, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर किया होगा, फेयर वैल्यू कितनी ज्यादा होगी, 5 लाख ज्यादा होगी तभी रिवेल्यूशन सरप्लस है। क्या आपने एंट्री कर ली, मशीनरी डेबिट रिवेल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, लिखें कितने से, 5 लाख। ठीक है सर, कोई कंफ्यूजन? मशीनरी डेबिट रिवेल्यूशन सरप्लस क्रेडिट के अंदर इफेक्ट सोचने कहां कहां जाएंगे, मशीनरी में प्लस हो जाएगा और इक्विटी में शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद रिवेल्यूशन सरप्लस के नाम से 5 लाख लिखा नजर आ रहा है, इस एंट्री से प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट जाएगा, नहीं जाएगा, नो इफेक्ट ऑन प्रॉफिट लॉस। नेक्स्ट लाइन में सपोज सेम मशीनरी की आपने सेकेंड टाइम रिवेल्यूशन की, एज ऑन 30th जून 2022 पे 2019 जिसको आपने फर्स्ट टाइम 2019 के एंड पे रिवैल्यू किया था, उसको आपने दोबारा रिवैल्यू किया 30th जून 2022 पे। सबसे पहले अब एक क्वेश्चन आपके जहन में ये आना चाहिए, मैंने इंटेंशनली बीच में कितने साल छोड़े, 2020 21, 2 साल, तीसरे साल के एंड पे आ गया आफ्टर फर्स्ट रिवैल्यूएशन। क्या हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी है, एज पर आइए 16 हर साल रिवैल्यूएशन करना कंपलसरी नहीं होता, रिवैल्यूएशन तब हो जानी चाहिए जब भी कभी, कंसल्टेशन से वर्ड सुनने पहले, रिवेल्यूशन हर साल कंपलसरी नहीं है लेकिन रिवेल्यूशन एंट्री तब जरूर हो जानी चाहिए अगर रिवेल्यूशन मॉडल अडॉप्ट किया है, व्हेन एवर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। क्या हर साल रिवेल्यूशन कंपलसरी है, लेकिन अगर हर साल सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाए बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू तो फिर हर साल होनी चाहिए, और अगर हर साल सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो कुछ ईयर्स का गैप भी हो सकता है, रिवेल्यूशन इज not compulsory every year, revaluation entries should be made whenever there is a significant difference between carrying amount and fair value. In words ko likhne ki zarurat nahi, book mein likhe hue hain, sirf chand words zara zehen mein rakhne ki zarurat hai, theek hai sir? Ab definitely ye jo maine aakhri sentence bola ki significant difference between carrying amount and fair value hona chahiye, ye maine real life ki practical baat ki hai, exam point of view se aap revaluation entries tabhi karenge jab bhi kabhi examiner aapko fair value batayega, अगर वो हर साल आपको फेयर वैल्यू बता रहा होगा तो आप हर साल रिवेल्यूशन कर लेंगे, अगर वो गैप के साथ फेयर वैल्यू बता रहा होगा तो आप अकॉर्डिंगली करेंगे। मीन्स उसे मेरी इस बात का मतलब ये है कि हर साल कंपलसरी नहीं है, बस ये याद रखना। हाँ, कब हो जानी चाहिए, जब भी कभी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाए बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर। तो देयरफॉर अगर मैंने 2020 21 पे अगर डेटा नहीं दिया तो मैंने फिर क्या अज्यूम किया उन डेट्स पे कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन बोलने किस किस में एंड फेयर वैल्यू नहीं आया हो, तब आ जाए फाइनली 2022। लेट्स अज्यूम जब आपने इस डेट पर रिवैल्यूएशन की
रिवेल्युएशन लॉस आ गया ऑफ रुपीस सपोज 6 लाख, लेकिन हो सकता है मार्केट वैल्यूज बढ़ रही होंगी या कम हो गई, कितने से कम हो गई, किसको किससे कंपेयर किया होगा, कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू कंपेयर किया होगा, फेयर वैल्यू कम होगी बाय रुपीज 6 लाख, ठीक सर। ये नोट कर लिए। देन सर अगर ये फर्स्ट टाइम लॉस आता, अगर ये किसी एसेट का फर्स्ट टाइम लॉस आए, तो उस लॉस की एंट्री पता है आपको सर, रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एंड रिस्पेक्टिव एसेट क्रेडिट मशीनरी बिल्डिंग व्हिचएवर इज द केस। लेकिन ये जो लॉस अब आया है, ये फर्स्ट रिवैल्यूएशन के बाद आया है, इससे अब क्या फर्क पड़ता है, वो जरा मेरी बात अब ध्यान से सुनने वाली। 5 लाख पे वापस जाए जो फर्स्ट फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन सरप्लस आया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिवैल्यूएशन सरप्लस। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेन होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गेन होगा, एक्चुअल गेन है या एक्सपेक्टेड गेन है, लेकिन 3 साल बाद क्या वो हमारी एक्सपेक्टेशन अब रिवर्स हो रही है, अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लॉस होगा। तो अगर तो फर्स्ट टाइम लॉस आए तो प्रॉफिट लॉस में जाता है, फर्स्ट टाइम लॉस आए तो प्रॉफिट लॉस में जाता है, लेकिन अगर सेम एसेट का फर्स्ट सरप्लस के बाद, किसी सरप्लस के बैलेंस के पड़े होने के बाद लॉस आ जाए, तो पहले अब वो लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा। क्या चीज किससे एडजस्ट होगी, लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा, और अगर लॉस की अमाउंट ज्यादा है तो बैलेंसिंग अमाउंट पे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर ये फर्स्ट टाइम लॉस आता तो फिर क्या होना चाहिए था, क्या एंट्री हो जानी चाहिए थी, 6 लाख की रिवेल्यूशन लॉस डेबिट मशीनरी क्रेडिट। लेकिन अगर किसी एसेट का पहले सरप्लस पड़ा हो और सब्सिक्वेंटली लॉस आ जाए, तो पहले वो लॉस किससे एडजस्ट होगा, सरप्लस से एडजस्ट होगा, और अगर लॉस ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी। हमारे इस केस में लॉस कितना है, 6 लाख में से कितना सरप्लस एडजस्ट हो जाएगा, क्या लॉस बच जाएगा, क्या ये भी हो सकता है कि लॉस कम आए, वो इंशाल्लाह बात बाद में भी करते हैं, पहले इसकी जरा एंट्री कर लें। अगर ये लॉस 6 लाख का 5 लाख सरप्लस के बाद आया है तो इसकी कैसे एंट्री बनेगी, पहले करवा दें, समझ लें, बोर्ड पे देखें, फिर आराम से आप लिखिएगा। नहीं, इसका इसका बेटा सही तरीका ये नहीं है, मेरी सजेशन ये है, बोर्ड पे देखें जरा, सबसे पहले ये डिसीजन ले लें कि अगर लॉस आ रहा है तो क्या एसेट ने क्रेडिट ही होना। सर जी, ऐसा नहीं, क्रेडिट होना से कितने से क्रेडिट होना है, 6 लाख से। ब्रेकअप किसका बनना है, वो जो डेबिट अमाउंट है उसका ब्रेकअप बनना है, समझ रहे मेरी बात। तो एसेट 6 लाख से क्रेडिट होना है, फर्स्ट टाइम लॉस होता है तो सारा रिवेल्यूशन लॉस प्रॉफिट लॉस में चला जाता है, लेकिन अब इस केस में क्या होगा, फुल कंसंट्रेट होगा, किसने अब किससे एडजस्ट होना है, लॉस ने सरप्लस से एडजस्ट होना, सरप्लस क्रेडिट फिगर है या डेबिट फिगर है, ये भी सही फैसला करना। सरप्लस है क्या चीज, एक गेन की अमाउंट है, एक्सपेक्टेड गेन है, ठीक है, लेकिन है क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस, और लॉस डेबिट बैलेंस है, तो लॉस ने अब सरप्लस से एडजस्ट होना मीन सरप्लस ने बढ़ना है कम होना है, लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा तो सरप्लस बढ़ेगा या कम होगा, तो क्या एंट्री बन रही है, रिवेल्यूएशन सरप्लस डेबिट क्यों यार, क्या चीज किससे एडजस्ट होके क्या हो रहा है, लॉस सरप्लस से एडजस्ट होके सरप्लस खत्म हो जाएगा क्या इस केस में, नहीं मतलब इस केस में कम होके खत्म भी हो जाएगा, 5 लाख बैलेंस है, 6 लाख लॉस है, क्या पूरा 5 लाख, 6 लाख में से 5 लाख का लॉस एडजस्ट हो सकता है, आपकी सेंट्री के बाद अब सरप्लस कितना रह जाएगा, नहीं सरप्लस कितना रह जाएगा, सरप्लस 0 हो जाएगा, लेकिन क्या बच गया है, तो 1 लाख का लॉस किस नाम से कहा जाएगा, रिवेल्यूएशन लॉस डेबिट, और ये फिर अब 1 लाख सिर्फ प्रॉफिट लॉस में रहेगा, क्या आपकी इस एंट्री से प्रॉफिट लॉस में कोई फर्क पड़ेगा, 1 लाख एक्सपेंसेस में नजर आएगा या 6 लाख, 6 लाख कब लॉस में नजर आता, अगर फर्स्ट टाइम लॉस आता फिर सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में ही जाना था, लेकिन क्योंकि अब हमारी एक्सपेक्टेशन रिवर्स हो रही है, हम गेन की बजाय लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जो पुराना गेन है पहले वो एडजस्ट होगा,
हाँ, अगर लॉस ज्यादा है तो फिर बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में आएगी। ये एंट्री का तरीका समझ आ गया प्लीज सबको? तो आप भी कहीं इसी तरतीब से कीजिएगा प्लीज। पहले डिसीजन लें एसेट का और देन फिर डिसाइड करें कि क्या बचा है, देयरफॉर कितना लॉस प्रॉफिट लॉस में आएगा। ये बड़ा, अगर किसी को आवाज का इशू महसूस हो रहा है तो मेरे ख्याल स्पेसिफिकली आपका आ रहा है, दोबारा रीज्वाइन करके जरा देखें। व्हाट कर दी? ये एनी कंफ्यूजन सर, मेरे सामने जो हजार बैठे, क्या फैसला, क्या इस डिस्कशन में समझ आई है मैं चीज? फर्स्ट टाइम लॉस है, प्रॉफिट लॉस में जाएगा, लेकिन अगर सरप्लस का बैलेंस पड़ा है और लॉस आ जाए तो पहले लॉस सरप्लस से एडजस्ट होगा, बैलेंसिंग फिगर होगी तो प्रॉफिट लॉस में। एक सेकंड, बुक का पेज नंबर 3 निकाला, मुझे एक सेकंड बस, बुक दिखाई। पेज नंबर 3 के दरमियान से थोड़ा सा ऊपर लिखा होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, इस पे आएगा या दो पॉइंट लिखे पर फाइनल का। ये बेटा क्या कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं यही तो कह, अगर सरप्लस नहीं होगा तो सारा का सारा लॉस कहाँ जाएगा? अपने लॉस में बिलाल साहब जाएगा, क्यों परेशान हो रहे? सबसे पहले तो पॉइंट फर्स्ट इसमें सेंटेंस है, रिवेल्यूशन इज नॉट कंपल्सरी एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू आईएएस 16। ये जो सब कुछ हम पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू काउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, तो आईएएस 16 क्या कहता है, हर साल रिवेल्यूशन कंपल्सरी नहीं है। कब हो जाने चाहिए रिवेल्यूशन? रिवेल्यूशन एंट्रीज आर ओनली रिक्वायर्ड व्हेनेवर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। और देन वो दूसरी बात अभी हुई है, इफ देयर इज अ लॉस ऑन रिवेल्यूशन ऑफ एन एसेट इन एन अकाउंटिंग पीरियड बट देयर इज अ बैलेंस ऑफ एनी रिवेल्यूशन सरप्लस रिलेटेड टू द सेम एसेट, वर्ड अंडरलाइन करा, सेम एसेट से मुराद है उसी एसेट का। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक मशीन पे सरप्लस आया और किसी दूसरी मशीन पे अगर लॉस आया तो उस सरप्लस को इस लॉस से एडजस्ट नहीं कर सकते। किसी बिल्डिंग का सरप्लस है और व्हीकल्स पे कोई लॉस आया तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सेम एसेट अगर होगा और किसी प्रीवियस रिवेल्यूएशन की वजह से सरप्लस आया और उसी एसेट का सब्सिक्वेंट अगर कोई लॉस आया तो देन इसने एडजस्ट होना। इस क्लियर रहेगा सर? किसने किससे एडजस्ट होना है? सरप्लस ने लॉस से एडजस्ट होना है, लेकिन सिर्फ कब? अगर सेम एसेट का पहले सरप्लस था और उसी का बाद में लॉस है, डिफरेंट एसेट्स का अगर सरप्लस है लॉस है तो उसका अलग अलग ट्रीटमेंट होना। सरप्लस होगा तो इक्विटी का पार्ट बनेगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट लॉस में जाएगा, लेकिन अगर सेम एसेट है तो सब्सिक्वेंटली लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो सकता है। ठीक है सर? सर वही तो मैंने अभी पहले बताया, क्या एक मशीनरी का दूसरी मशीनरी से हो सकता है? क्या एक मशीनरी का तीसरी मशीनरी से हो सकता है? क्या एक मशीनरी का एक मशीनरी से? ये भी सही नहीं है, उसी मशीनरी का सरप्लस उसी मशीनरी का लॉस एडजस्ट हो। दोबारा सेंटेंस शुरू कीजिएगा। सेकंड पॉइंट, इधर इज अ लॉस इन रिवेल्यूशन ऑफ एन एसेट इन अकाउंटिंग पीरियड बट देयर इज अ बैलेंस ऑफ एनी रिवेल्यूशन सरप्लस रिलेटेड टू द सेम एसेट बिकॉज ऑफ एनी प्रीवियस रिवेल्यूशन, देन फर्स्ट एडजस्ट द लॉस अगेंस्ट सरप्लस एंड बैलेंस इफ एनी इज Recognized in statement of profit and loss. Done है please? कोई confusion रहेगी मेरी बात में? जी online students. बेटा एक दो बता दिया कि नहीं यार? Online students clear है please? वापिस आ जाइए register पर। सर सफ़े भी कहाँ से गिनने शुरू हो गए, जाने दो सर, कहाँ से शुरू हो रहे हैं? इसी एग्जाम्पल में एक छोटी सी सिचुएशन और ऐड करें। इफ इंस्टेड ऑफ रिवेल्यूएशन
loss rupees 600,000 on second revaluation. As on 30th June 2022, revaluation loss is 3,50,000. If instead of revaluation loss of 6 lakh, उसी एग्जाम्पल से कंटिन्यू कर रहा हूँ. If instead of revaluation loss of 6 lakh on second revaluation, as on 30th June 2022, revaluation loss is 350,000. Then क्या कहता है? नहीं, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट. पहले मैं जरा अपनी इस बात को क्लियर कर दूं कि बात हो क्या रही है. जी, नोट कर लिए? नोट कर लिए सर. ये मैं इसी एग्जांपल के साथ है कि सिनेरियो चेंज कर रहा हूं. फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में 5 लाख सरप्लस ही है अभी. व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? एसेट डेबिट, सरप्लस क्रेडिट. मशीनरी डेबिट, सरप्लस क्रेडिट, वो अपनी जगह एसेट है. मैंने सिर्फ क्या चेंज किया है कि सपोज ये जो 6 लाख लॉस आया था और उसकी आपने एंट्री की थी, लेट्स अज्यूम इस 6 लाख की जगह 3,50,000 लॉस आया है सेकेंड रिवेल्यूशन पे. सरप्लस कितना आया था? 5 लाख ही आया था, लेकिन सपोज 6 लाख लॉस की जगह 3,50,000 लॉस आ गया. ये बात समझ आ रही? प्लीज सिर्फ क्या चेंज कर रहा हूं. सरप्लस कितना है? 5 लाख, लेकिन अब लॉस कितना है? 3,50,000. तब आपने 6 लाख को जेन से निकाल देना है और मुझे किसकी एंट्री करवानी है? 3,50,000. क्या 3,50,000 सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में जाएगा? क्या सरप्लस पड़ा है? और यार वो तो खत्म हो गया था इस एंट्री में, तो काइंडली इसको जरा आप जेन से निकालना. 6 लाख वाली एंट्री जेन से निकाल दें. अब सिचुएशन क्या बदल रहा हूं मैं कि 6 लाख की जगह 3,50,000 लॉस है और ऑलरेडी कितना सरप्लस आया हुआ? 5 लाख आया. अब डन है प्लीज? अब बताइए एंट्री कैसे करें? प्लीज मेरे साथ एक सेकंड. ठीक है, जब भी कभी लॉस आना है तो पहले तो ये फैसला कर लें क्या एसेट ने क्रेडिट ही होना. अब इस केस में कितने से क्रेडिट होगा? 3,50,000. पहले बात मेरी पूरी आराम से सुननी है, ऐसी परेशान नहीं होना इधर उधर. एसेट अगर कम हो रहा है लॉस की वजह से तो एसेट क्रेडिट हो गया. अब सरप्लस कितना आया था? 5 लाख. लॉस कितना आया? 3,50,000. क्या ये सारा लॉस सरप्लस से एडजस्ट हो सकता है? क्या लॉस बचेगा या सरप्लस बचेगा? तो 3,50,000 अब सरप्लस से नेट होना है. कितना सरप्लस था? 5 लाख. कितने से कम हो जाएगा? कितने से कम हो जाएगा? और डेफिनेटली रिमेनिंग कितना रह जाएगा? एक सेकंड जरा. रिवेल्यूएशन सरप्लस का भी एक लेजर आपके सामने बनाऊंगा. मैं 2022 के एंगल से एक बात करने लगा हूँ. बहुत ध्यान से प्लीज डेट्स का भी ध्यान रखना. यकीनन ये सरप्लस कब आया था? अपनी जरा रजिस्टर देखकर बता दो. 2019 में आया था. उस वक्त क्या एंट्री हुई थी? सरप्लस क्रेडिट, सरप्लस क्रेडिट. ये क्रेडिट बैलेंस बना होगा. हिम्मत हिम्मत हिम्मत. यकीनन 2020 के साल में ये ब्रॉट डाउन बना होगा, फिर कैरिड डाउन बना होगा. 2020 में कोई रिवेल्यूशन नहीं हुई, 2021 में भी रिवेल्यूशन नहीं हुई, 2023 में एंड में, या सॉरी 2022 के एंड में रिवेल्यूशन हुई. तो अगर मैं 2022 के एंगल से रिवेल्यूशन सरप्लस बनाऊं, रिवेल्यूशन सरप्लस का ये अकाउंट बनवाऊं बनाऊं तो क्या ये 5 लाख को ब्रॉड डाउन के तौर पे होगा? ब्रॉड डाउन डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? ये समझ गए प्लीज? 19 में आया, सीडी बना, ब्रॉड डाउन बनता रहा किन किन सालों में? 2021 में 22 के स्टार्ट पे आ गए. अब 22 के एंड पे क्या हुआ? कितना सरप्लस लॉस से अब एडजस्ट होना है? 3,50,000. तो अब जरा सरप्लस का लेजर देखा जरा. क्या इस सरप्लस के लेजर में जीरो हो जाएगा बैलेंस आफ्टर दिस एडजस्टमेंट या फिर भी 150 बच जाएगा?
इन अदर वर्ड्स अब रिवेल्यूशन सरप्लस ने बस कितने से कम होना है, तो डबल एंट्री कैसे बैलेंस हो जाएगी, मशीनरी क्रेडिट एंड रिवेल्यूएशन सरप्लस बाय डेबिट बाय हाउ मच, और कितनी अमाउंट प्रॉफिट और लॉस में जाएगी, कोई भी क्यों नहीं जाएगी, बिकॉज लॉस इज लेस देन द अमाउंट ऑफ सरप्लस। लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में कब जाना था, अगर लॉस सरप्लस की अमाउंट से ज्यादा होता, क्या चीज किससे ज्यादा है। इससे पहले कि आप लिखें, जरा एक सेकंड मुझे वाइंड अप करने बात, रहा रिवेल्यूशन सरप्लस के लेजर में जाएं, जरा ये एंट्री गौर से देखें, अकाउंटेंट बनकर जरा सरप्लस के लेजर को फैक्ट करेगी सर, इस साइड पे लिख के डेबिट साइड पे रेफरेंस क्या आएगा, क्या इवन देन कुछ सीडी बच जाएगा, क्या अगर सबसीक्वेंटली कोई दोबारा रिवेल्यूएशन हुई सेम एसेट की, क्या अगर सबसीक्वेंटली किसी अगले सालों में जाके सेम एसेट की दोबारा रिवेल्यूएशन हुई और लॉस आ गया, तो क्या ये 150,000 एडजस्ट हो सकता है, 5 लाख या 150, कितना एडजस्ट हो गया, कितना रह गया। बात पूरी समझ आ गई मेरी, पहले एंट्री लिख लें और इस एंट्री के नीचे फिर ये लेजर भी बनाऊंगा। एक सेकंड, जी डेफिनेटली बढ़ाइए, जो काउंटिंग एंट्रीज हैं जर्नल में होनी है। जी आप कुछ कर, तीन लाख का लॉस है, 3,50,000 सॉरी लॉस है, और सरप्लस आया था 5 लाख, सरप्लस पड़ा था पुरानी रिवेल्यूशन की वजह से 5 लाख, ठीक है। तब लॉस ने प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना क्योंकि सरप्लस का पड़ा, लेकिन कितना लॉस अब सरप्लस से एडजस्ट हो सकता है, 350। तो इस एंट्री में रिवेल्यूशन लॉस ने डेबिट होना था अगर फर्स्ट टाइम लॉस आता, लेकिन अब लॉस किससे एडजस्ट हो जाएगा, तो लॉस डेबिट होने की बजाय सरप्लस डेबिट हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग सरप्लस डेबिट, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कितना था और कितना रह जाएगा, 5 लाख था और देयर फॉर 150। बेटा ये जो काउंटिंग एंट्रीज होती है ना, ये इंक्रीज डिक्रीज के एंगल से होती हैं, ये प्लीज सरप्लस कितने से कम होना है, 150 से कम होना है या 350 से कम होना है, कितना बचना है, एसेट लायबिलिटी जितनी बचनी है वो सीडी में कैलकुलेट होती है। ये जो हमने किसी जमाने में डेबिट क्रेडिट पढ़ा था, एसेट बढ़ रहा है डेबिट हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है क्रेडिट हो रही है, तो ये डेबिट क्रेडिट वर्ड्स किन चीजों के लिए होते हैं, इंक्रीज डिक्रीज के लिए। क्या सीडीज की एंट्री होती है या इंक्रीज डिक्रीज की एंट्री होती है, और सीडी एंड में लेजर में कैलकुलेट होता है। सरप्लस कितना था, 5 लाख, कितने से कम हुआ मींस डेबिट हुआ, और कितना देर पर बच गया वो सीडी आगे, ये 150 कैसे आया, लेजर बैलेंस करके, लेजर बैलेंस करके, लेजर बैलेंस करके सही आया। तो डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या है, एसेट डेबिट हो रहा मीनिंग क्या है, एसेट इतना बच गया ये मतलब नहीं है, एसेट डेबिट मीन से क्या जहन में आता है, एसेट भर रहा है, एसेट डेबिट 1 लाख, क्या मतलब, लायबिलिटी क्रेडिट 2 लाख, लायबिलिटी डेबिट 3 लाख, नहीं कम हो गई डेबिट यार। तो ये डेबिट क्रेडिट का मीनिंग क्या है, एसेट इतने से बढ़ा या कम हुआ डेबिट क्रेडिट, सिमिलरली एक्सपेंसिस डेबिट बाय 5 लाख, और देन कितने रह गए हैं, ये सीडीज हैं जो फिर लेजर को बैलेंस करके फिगर्स आते हैं। ओके जी प्लीज, एनी कंफ्यूजन जी, ऑनलाइन स्टूडेंट से बता दो, देन सर एक नेक्स्ट चीज है इसी में ऐड कर लें, नेक्स्ट हेडिंग लेकर रजिस्टर में लिखा, बुक दोबारा बंद कर लें।
सर जी ना किया करें, कभी तो महसूस हो कि बच्चे एक्टिव है स्टडीज में यार, कोई इधर गिरने लगा है कोई उधर गिरने लगा। अभी से सर नेक्स्ट हेडिंग लिखें, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। इन्हीं दिनों के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता था कि डेप्रिसिएशन को सीरियस लें। किसकी बात हो रही है, किस दिन की? कि हमें लेटेड डेप्रिसिएशन के किसी ट्रीटमेंट की बात हो रही है ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। इस हेडिंग को समझने के लिए एक जरा एग्जांपल बनाना शुरू करें। एक लेजर खोलें मशीनरी के नाम से, ये बन गई। लेट्स से मैं मशीनरी परचेज की है ऑन 1 जुलाई 2020, 8 लाख रुपीस की मशीन है। एंट्री वाला मशीनरी डेबिट कैश कर लिखे, देन सपोज साल गुजर गया 30th जून। पहले ठहरने बात सुनने, एक सेकंड, 30th जून 2021 मशीनरी की कॉस्ट 8 लाख रुपीस है। आपने रेजिडुअल वैल्यू एस्टिमेट की, रेजिडुअल वैल्यू मेथड सेलेक्ट किया, लाइफ एस्टिमेट की, डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर ली। लेट्स अज्यूम 70,000 डेप्रिसिएशन आई। मशीनरी अकाउंट क्या कॉस्ट के साथ साथ WDV पे भी बन सकता है? डेप्रिसिएशन की बाय डिफॉल्ट तो एंट्री है डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। उस केस में एसेट अकाउंट अलग रहता है और एसेट कितने से कम हुआ ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में रहता आ जाता है। लेकिन क्या डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट भी एंट्री हो जाती है? प्रेफरेबल क्या है? सेपरेट लेजर बने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, लेकिन अगर एग्जामिनर कहे तो एसेट अकाउंट WDV पे भी हो सकते हैं। मेरी इस बात में कोई कंफ्यूजन किसी को? तो लेट्स अज्यूम सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, 70,000 डेप्रिसिएशन आई। मैं अब उस कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, डेफिनेटली वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे जब क्वेश्चन आएंगे तो इंशाल्लाह करते हैं। तो व्हाट शुड बी द डबल एंट्री अगर मैं एसेट अकाउंट WDV पे बना रहा हूँ? डेप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 70,000। यकीनन डेप्रिसिएशन का भी अपना लेजर होगा, लेकिन हम किस लेजर पे फोकस रखना चाह रहे हैं? यहां तक लिखें, सीडीज निकालें, टोटल करना। Any confusion in any word? ये मिस्टर काशिफ रजिस्टर खोल रहा हूँ। अब kindly सीरियस लेना प्लीज, हीरो काफी मजाक ऑलरेडी हो चुका जो नहीं होना चाहिए था। जी सर, लेट्स अज्यूम हम इस मशीनरी के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर एंड पे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू नहीं आया, देयरफॉर क्या किए बगैर हम नेक्स्ट ईयर चले गए 730 ब्रॉट डाउन। किसी को मेरे वर्ड समझ आए क्या?
साल इवेल्यूशन कंपलसरी। देखिए दोबारा एक दफा से क्लियर कर लेता हूँ यार, मेरे ख्याल एक है कॉस्ट मॉडल, एक है रिवेल्यूशन मॉडल। अगर तो कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट हो जाए फिर तो रिवेल्यूशन का सवाल ही नहीं है, यह है। लेकिन अगर रिवेल्यूशन मॉडल अडॉप्ट हो भी जाए तब भी जरूरी नहीं कि हर साल रिवेल्यूशन की जा रही हो, तब भी क्या करना है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस ढूंढना है बिटवीन कैरिंग अमाउंट और देन फिर कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू देन रिवेल्यूशन करना। तो लेट्स सी कोई डिफरेंस नहीं था, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया। एक साल और पूरा कर लें, डेप्रिसिएशन की एंट्री बोल कर डेप्रिसिएशन डेबिट मशीनरी क्रेडिट, लेट्स अज्यूम फिगर इज 50,000। क्या जरूरी है हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट सेम हो? स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम होती है, वरना दूसरे मेथड्स में डिफरेंट भी हो सकती है। सोच लें सोच लें, इस तरह की बातें सही क्लियर होनी चाहिए। बाइंड अप करें सीडी से कल। थर्ड ईयर ब्रॉड डाउन है और डेट आ गई है, इधर डेट भी कर लिखा है 1 जुलाई, बोले कौन सी 2022 होगा मेरे को ना, 2020, 2021, 2022 फर्स्ट, मैंने थर्ड ईयर का स्टार्ट किया अभी 1 जुलाई 2022। देन सपोज सर, अभी लिखने से पहले पहले बात सुनी का मेरे, आपको क्वेश्चन में कहा गया है फेयर वैल्यू एज ऑन 1 जुलाई 2022 इज 5,50,000। क्या रिवेल्युएशन साल के एंड में करते हैं, शुरू में करते हैं या मिड में करते हैं? जिस डेट पे एग्जामिनर आपको फेयर वैल्यू दे दे उस डेट पे करते हैं। हाँ डेफिनेटली मैंने इस एग्जांपल से पहले आपको ईयर एंड्स पे रिवेल्यूशन करवाई, लेकिन ये ईयर एंड्स पे रिवेल्यूशन करना भी कंपलसरी नहीं है। रिवेल्यूशन कब हो जानी चाहिए? व्हेनेवर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू। बाकी ठीक है बेटा, प्रैक्टिकली तो कोई ना कोई पॉलिसी बनानी पड़ती है कि आपने हर साल के शुरू में ये सोचना है या एंड में सोचना है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जामिनर आपको फेयर वैल्यूज ईयर एंड पे बताए तो आप ईयर एंड की कैरिंग अमाउंट्स को फेयर वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर ईयर के स्टार्ट पे बता दे फिर क्या होना चाहिए लॉजिकली, आप बताएं इस वक्त रिवेल्यूशन किन फिगर्स के बेस पे होनी चाहिए? 1 जुलाई 2022 की कैरिंग अमाउंट देखनी चाहिए और उसी दिन की फेयर वैल्यू। अगर वो मिड ऑफ द ईयर की बता दे तो पहले मिड ऑफ द ईयर तक पहुंचने के लिए फर्दर 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे सर। कंपैरिजन किसका किससे करना है, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का? तो जिस दिन वैल्यूएशन हो रही होगी उस दिन की कैरिंग अमाउंट चाहिए और उस दिन की फेयर वैल्यू चाहिए। मेरी किसी बात में कंफ्यूजन? तो मैंने जरा सिनेरियो थोड़ा चेंज किया है ताकि हम कुछ ज्यादा यूजफुल हो जाए कि ईयर एंड पे रिवेल्यूशन होती है। क्या ईयर एंड पे हो सकती है? यकीनन, लेकिन क्या स्टार्ट पे भी हो सकती है अगर एग्जामिनर डाटा देते। देन फिगर्स कंपेयर करें, 680 के कैरिंग अमाउंट, ये लेजर में कैरिंग अमाउंट क्यों बनी हुई है? क्योंकि एसेट अकाउंट WDV पे बना हुआ। तो क्या स्ट्रेट अवे दिस 6,80,000 कैन बी कंपेयर्ड विद 5,50,000? और क्या यहां से पता चल रहा है आपको कि ये सरप्लस है या लॉस है? लेट मी कंप्लीट। व्हाट इज कैरिंग अमाउंट? कैरिंग अमाउंट एज ऑन 1 जुलाई 2022। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें चीज है जिस डेट पे रिवेल्यूशन हो रही है उस डेट की कैरिंग अमाउंट और उस डेट की फेयर वैल्यू होनी चाहिए। एंड व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट इन दिस केस? 680। फेयर वैल्यू कितनी मैंने बताई, कितना डिफरेंस है? 130। सरप्लस है लॉस है? सरप्लस है लॉस है? वाई लॉस? फेयर वैल्यू कम है। लेजर के लिए 2-3 लाइनें गिन के छोड़ दें और उसके नीचे कर लीजिए डाटा, लिख दें लेजर में, बाद में फिर फिगर्स ट्रांसफर करते हैं।
बेटा फिलहाल अभी आप बहुत इनिशियल लेवल पे हैं। कंपनीज में एक्चुअली क्या होता है ये अगर मैं बता भी दूंगा तो इससे बेटा क्या फायदा हो। कॉस्ट मॉडल भी अलाउड है, रिवॉल्यूशन मॉडल भी अलाउड है, कंपनीज में दोनों मॉडल्स ही हो सकते हैं, कोई इसमें से प्रेफरेबल वाली बात भी नहीं है। तो जो कंपनी जो मॉडल अडॉप्ट कर ले, आपको एज एन अकाउंटेंट पता होना चाहिए कि कॉस्ट मॉडल है तो क्या होना है और रिवॉल्यूशन मॉडल अगर है तो क्या होना। तो अभी इस तरह की बातें मेरा नहीं ख्याल आप सही अंडरस्टैंड कर सकेंगे। जो इस वक्त बात हो रही है शायद उस पर फोकस करना जरूरी है। जी सर जी, अगर रिवॉल्यूशन लॉस है क्लियर है सर? रिवॉल्यूशन लॉस है तो अगर रिवॉल्यूशन लॉस है और एग्जाम्पल हमारे सामने है, क्या ये फर्स्ट टाइम लॉस आया है? पहले भी तो आया था, वो तो पिछली एग्जाम्पल थी। इस एग्जाम्पल में मशीनरी कितने की खरीदी थी? 8 लाख की। 2 साल गुजर गए हैं, क्या फर्स्ट टाइम लॉस आया सर? एंट्री हो जाए यार। रिवेल्यूएशन लॉस डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, पहले नीचे एंट्री लिख लें तो उसकी पोस्टिंग करते हैं। क्या ये सारा का सारा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा। फर्स्ट टाइम लॉस है, प्रॉफिट लॉस में जाएगा। आए ये एंट्री अगर मशीनरी अकाउंट में पोस्ट करनी हो तो कर दें सर। रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट मशीनरी में किस तरफ जी? फर्स्ट जनवरी डेट भी लिखें, सॉरी फर्स्ट जुलाई डेट भी लिखें। फर्स्ट जुलाई डेट रिवैल्यूएशन लॉस रेफरेंस आ जाएगा, 130 की फिगर आ जाएगी, 2022 है सर ये सर। यकीनन रिवैल्यूएशन लॉस का भी अपना लेजर होगा, तो इंशाल्लाह अभी क्वेश्चन करते हैं सब कुछ बनाते हैं। मशीनरी क्रेडिट बाय 130,000, डन है सर? सब क्लियर है ना यार? कंफ्यूजन तो नहीं चल रही सर? जी भाईजान। देन सर जी, अब ये 1 जुलाई 2022 पे मैंने रिवेल्यूशन की है, डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन था 680, क्रेडिट साइड पे 130 है, नेट ऑफ होके क्या फेयर वैल्यू बन जाएगी सर? क्या रिवेल्यूएशन कर लेने के बाद एसेट का बैलेंस फेयर वैल्यू के बराबर हो जाना चाहिए? तो क्या हो गया है कहना चाहिए? नेट नजर आ रहा है सर? मैं बेटा बैलेंस इसलिए नहीं कर रहा, क्या अभी साल का शुरू है, क्या इस साल की डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी चाहिए? जब रिवेल्यूएशन हो जाती है तो फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। कभी सुना है ये सेंटेंस आपने? क्या सेंटेंस बोला मैंने? आफ्टर रिवेल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर। ऑब्वियसली जरा बातें सही कॉन्टेक्स्ट में क्लियर करना शुरू करें। ऑब्वियसली अगर ईयर एंड पे रिवेल्यूशन होती, ऑब्वियसली अगर ईयर एंड पे रिवेल्यूशन होती तो फेयर वैल्यू की बेस पे डेप्रिसिएशन कब से चार्ज होनी चाहिए थी? नेक्स्ट ईयर से, ये वाला साल तो एंड हो गया, लेकिन अगर साल के शुरू में रिवेल्यूशन हुई है तो अभी इस करंट ईयर मीन्स 2013 हो जाएगा ये करंट ईयर एंड, 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो रहा है, किस दिन एंड होगा? 30 जून 2023 हो जाएगा। क्या इस साल की अभी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है? लेकिन आप किस अमाउंट पे चार्ज करेंगे? फेयर वैल्यू पे चार्ज करेंगे और फेयर वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे। डन है सर? तो लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन, बाकी जब क्वेश्चन इंशाल्लाह आएगा तो वो रिमेनिंग लाइफ कैसे काउंट करनी है वो भी बताता हूँ। समझ मेरी आवाज तो आ रही है? एक मिनट वेट ही कर लो। एक सेंटेंस नीचे लिखने जा एंट्री लिख दिया आपने, बस करें सर, वेलकम बैक। रिमेनिंग लाइफ एज ऑन 1 जुलाई 2022 इज
सपोज 5 years, मैंने क्योंकि आपको टोटल लाइफ पहले नहीं बताई थी ऊपर, तो 2 साल गुजरने के बाद रिमेनिंग लाइफ, इसलिए मैं खुद बता रहा हूँ, वरना क्या रिमेनिंग गिन सकते हैं? यस सर। अगर आपसे कहा जाए कि टोटल लाइफ 10 ईयर्स थी और 3 साल गुजर गए हैं तो रिमेनिंग लाइफ 7 ईयर्स होगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये कोई इशू नहीं बनेगा, लेकिन इस इनिशियल एग्जाम्पल में ओरिजिनल लाइफ क्योंकि मैंने आपको नहीं लिखवाई, तो लेट्स सी व्हाट इज द रिमेनिंग लाइफ 5 ईयर्स। अब ये बता दें किस अमाउंट को 5 ईयर्स में डेप्रिशिएट करेंगे आप? व्हाट इज अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू? 550,000 लिखें कैलकुलेटर पे, डिवाइडेड बाय 5। अगर ना पता हो तो हमेशा कौन सा मेथड? स्ट्रेट लाइन। रेजिडुअल वैल्यू ना पता हो तो जीरो। 550,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, बता दें व्हाट इज द अमाउंट? 1,10,000 आ गया सबका। व्हाट इज द डबल एंट्री? एसेट अकाउंट WDV पे बन रहा है, डबल एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन डेबिट। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट बाय रुपीज 1,10,000 बाय 50,000 ब्रैकेट में लिखा है डिवाइड बाय 5, छोटी सी वर्किंग वहीं लिखा होगा। आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन लेजर का बैलेंस निकालो। टोटल हो गया 680 एंड कैरिंग अमाउंट इज 440 आफ्टर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। प्लीज सब ओके? प्लीज कोई कंफ्यूज बेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर ये हो जाए और अगर वो हो जाए की बजाय कांडली जो हो रहा है उस पर फोकस करें। इंशाल्लाह वो भी हो जाना है, वो भी हो जाना है और वो भी हो जाना है, और इसके अलावा मैं अपनी करना चाह रहा, अच्छा नहीं लगा। तो काइंडली आपका मुसलसल ध्यान ये है कि अगर वो हो जाए क्या ये हो सकता है, लॉस के बाद गेन आ जाए क्यों नहीं हो सकता, क्या वो हो सकता है, क्या अचानक ये सब कुछ हो जाएगा? अगर रिवेल्युएशन साल के एंड में हो तो डेप्रिसिएशन क्या ब्रॉड डाउन पे चार्ज होगी? अभी हो जाएगी। तो क्या जो हो रहा है वो हमें पता है? अच्छी बात, अगर पता है तो इंशाल्लाह जो आगे होगा वो भी पता चल जाएगा। डन है सर? एनी कंफ्यूजन सर? अच्छा मैंने आपको एक हेडिंग लिखवाई थी ऊपर, जरा ढूंढे मैंने हेडिंग क्या लिखवाई और करता क्या गया मैं? मैंने बेटा ऊपर हेडिंग लिखवाई आपको ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द टाइम ऑफ रिवैल्यूएशन, लेकिन नीचे मैंने जो एग्जांपल बनाई उससे मैंने एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अगर लेजर अलहदा नहीं बनाया तो डेट ऑफ रिवेल्यूशन बताया जरा ढूंढ के क्या है। हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की किसी एडजस्टमेंट की कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है अगर एसेट अकाउंट WDV पे हो। ये जो मैंने लिखवाया है और जो बोला है इसको समझने के लिए जो मैंने कह दिया है, जरा पहले एक और एग्जाम्पल देख लें, फिर मैं अपनी इसे जो दूसरी एग्जाम्पल है इसको लिंक करता हूँ दोबारा इस फर्स्ट एग्जाम्पल से जो मैंने लिखी और देन मैं जो हेडिंग लिख रहा हूँ उसको भी बताता हूँ। एक रिवाइज एग्जांपल स्टार्ट करें, एग्जांपल नंबर 2 लिख भी नजर। हमारी मेन हेडिंग इस वक्त क्या चल रही है? वही ट्रीटमेंट वाली चल रही है। अब आपने कर ली कोशिश करनी है, अगर पेज के लेफ्ट राइट साइड पे दो लेजर्स खोल जाए, एक मशीनरी का हूं और एक एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन का हूं। ये चीजें प्लीज आई होप के किसी को कंफ्यूज नहीं करती हैं, कभी ये अकाउंट कभी वो अकाउंट। अब जब मशीनरी अकाउंट है क्या डेप्रिसिएशन उसके अंदर ही आएगी? उसके लिए अब सेपरेट लेजर बनेगा। तो आए गेम शुरू करते। मशीनरी खरीदी आपने सपोज 1 जुलाई 2019 पे, एग्जांपल डिफरेंट है उसका, पिछले एग्जाम्पल सबको लिंक नहीं। लेट्स अज्यूम कॉस्ट ऑफ द मशीनरी 15 लाख एंट्री वाले
मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। एक साल गुजर गया सर, डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट कर ली सपोज 1,50,000, डबल एंट्री बोला, डेप्रिसिएशन का लेजर बनेगा, यकीनन बनेगा, हम नहीं बना रहे, बनेगा, बनना चाहिए, हमसे इस वक्त रेलिवेंट नहीं है। किस तरफ अगर आएगी, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। लेट्स अज्यूम बाय सिलेक्टिंग द मेथड लाइफ 1,50,000 एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन में फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन आ गई। एनी कंफ्यूजन? बस सपोज इस साल और कुछ नहीं, सीडीज निकालो, क्या ये एसेट एक साल बाद डेप्रिशिएट नहीं हुआ? नजर तो नहीं आ रहा, 15 लाख का 15 लाख ही आ रहा है, कहाँ नजर आ रहा है सर? क्या नजर आ रहा है सर कि एसेट 1.5 लाख से कम हो गया, लेकिन लेजर ले लेता है। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इन में लाएं, तो 15 लाख की कॉस्ट में से 1,50,000 एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके 13,50,000 सॉल्व कर लेंगे, वो कैरिंग अमाउंट नजर आएगा। एक साल और पूरा करें, लेट्स सी, एक सेकंड ईयर गुजर गया, 30 जून 2021, इस साल की डेप्रिसिएशन आई 1,35,000, डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, 2 साल पूरे कर लो। सॉरी, टोटल हो जाएगा 2,3,285,000। ठीक है, ठीक है सर, थर्ड ईयर का स्टार्ट शुरू कर रहे हैं। जी बेटा, अगर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलग है, तो फिर आप डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में नहीं आएगी, और देयरफॉर अगर कोई और एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो ये 15 लाख एसेट ही आता रहेगा, अनलेस ऑफ कोर्स कोई डिस्पोजल हो जाए या ऑफ कोर्स कोई नया एसेट आ जाए। कौन सी फिगर जो है वो अलग लेजर में जाएगी? डेप्रिसिएशन, वो क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में जाएगी। एसेट की जो रिडक्शन है, एसेट कितने से कम हो रहा है, वो आपको एसेट अकाउंट के अंदर नजर नहीं आएगा, वो आपको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से पता चलेगा। मसलन जरा बात हो रही है, एसेट अकाउंट में डेबिट साइड पे कितना नजर आ रहा है, 15 लाख, लेकिन इसको जरा रिलेट करें जरा एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस से, ये 285,000 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? 15 लाख वाला एसेट 2,85,000 से कम हो गया, सेपरेटली नजर आ रहा, ठीक है, बाकी डेफिनेटली वो कम होता जा रहा है। नहीं सर, बीच में जरा रिवेलेशन लेके आते हैं, डेट ये बन जाएगी ओपनिंग वाली, जरा एक मिनट अगर काउंट कर दें, 1 जुलाई 2021 हो जाएगा, ये लिखना जरा ब्रॉट डाउन के साथ, एक डेट लिखना 1 जुलाई 2021, ये ठीक है बेटा, प्लीज
1 जुलाई 2021। अब लेजर में जरा एक दो तीन लाइनें गिन के रखना है, तीन कॉपी में रखना और एक सेंटेंस लिखना। ऑन 1 जुलाई 2021 फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज सपोज 14 लाख। फेयर वैल्यू ऑफ द मशीनरी इज 14 लाख। जी सर कॉस्ट क्या है? 15 लाख। फेयर वैल्यू क्या है? लॉस हो गया 1 लाख। मेरा कौन सा वर्ड गलत है? मैंने पूछा कॉस्ट क्या है, फिर मैंने पूछा फेयर वैल्यू क्या है। ये कंपैरिजन ही गलत है। क्या कॉस्ट का कंपैरिजन होना है फेयर वैल्यू से? इसका किससे होना है सर? नेक्स्ट लाइन में लिखें सर, कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीनरी इज फाइंड आउट करनी पड़ेगी या कैलकुलेटेड है? अब मैंने बीच में रिलेट करना है जो मेरी प्रीवियस एग्जांपल हो रही थी, तो साथ साथ कर नहीं रहना था। फाइंड आउट करनी पड़ेगी या कहीं कैलकुलेट हुई भी है? पिछली एग्जांपल में तो फाइंड आउट नहीं करनी पड़ी यार। कैसे फाइंड आउट हो जाती है? व्हाट इज द फॉर्मूला? 15 लाख माइनस 2,85,000, 1,215 ट्रिपल से डिफरेंस है। वाई रिवेल्यूएशन सरप्लस? फेयर वैल्यू ज्यादा, सरप्लस है लॉस है। ये आंसर आया 185,000। 12,15,000 इज द अमाउंट ऑफ कैरिंग अमाउंट, इज द कैरिंग अमाउंट सॉरी, and difference between the carrying amount and fair value is 1,85,000, because the fair value is more than carrying amount by rupees 1,85,000, therefore it is revaluation surplus. Any confusion? But a cost ka comparison nahi hona, carrying amount ka comparison hona. Aur agar separate ledgers bane honge to hum carrying amount calculate kar liya kare. Done please? अब काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर लिख लिया है तो लिख के रुकें और जो एक इश्यू आ रहा है उसको जरा रिजॉल्व करवाएं अगर आ भी रहा था। रेडी है सर? 1,85,000 सरप्लस है, इसके जरा एंट्री बोला। फर्स्ट टाइम है अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, तो देयर इज नो इश्यू एसेट के पहले को लॉस था सरप्लस था। फर्स्ट टाइम सरप्लस आया, एसेट डेबिट हो जाएगा, सरप्लस क्रेडिट हो जाएगा, एसेट में प्लस कर देंगे और सरप्लस इक्विटी का पार्ट बन जाए। इस वक्त हमारा एसेट से कंसर्न है, आप प्लीज लिखने की जल्दी ना कीजिएगा। एक इशू आना है वो पहले देखें क्यों आ रहा है और फिर उसे रिजॉल्व कैसे करें, पहले वो सब कुछ कर लें, रिजॉल्व भी करवा दें, देन काइंडली लिखिएगा। एंट्री दोबारा बोल दें, मशीनरी के लेजर में 185,000 का रिवेल्यूशन सरप्लस मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। ऑब्वियसली अपने जहन में रिवेल्यूशन सरप्लस का लेजर बनाए, नहीं बना, ट्राई नहीं किया, अब ट्राई किया तो टी बन गई, क्या लिखा नजर आ रहा है? रिवेल्यूशन सरप्लस लिखा नजर आ रहा है। क्रेडिट साइड पे कितना नजर आना शुरू हो गया, क्या रेफरेंस नजर आ रहा है, क्या डेट लिखी हुई है, वापिस आ रही है मशीनरी को, ऐसे डेबिट हो गया सर। मैंने तो कहा था कि जब रिवेल्यूएशन सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड हो जाए तो फिर एसेट फेयर वैल्यू के बराबर आ जाता है। तो जरा एक सेकंड लेजर देखें, 15 लाख पहले आ रहा और प्लस 1,85,000 होके कैलकुलेटर पकड़ा, 1,685,000 हो रहा है। हालांकि फेयर वैल्यू क्या है?
14 लाख की फेयर वैल्यू। समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, कोई नया मसला है। अब इसको इससे पहले कि हम इसकी बहस करें ये क्या हो गया, जरा वापस जाए वो जो थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल की। वहां तो कोई ऐसा इशू नहीं बन रहा था यार, 680,000। जस्ट मैं चाह रहा हूँ आपके खुद जहन में एक सवाल भी पैदा हो जाए, और बेस्ट अगर ये कि आप ही उसके कोई आंसर या उसको रिजोल्व करने का तरीका बता सके, क्योंकि बात तो शायद इसी डेबिट कार्ड के अंदर ही है। 680,000 ब्रॉट डाउन डब्ल्यू डी वी थी ऑलरेडी, क्योंकि डब्ल्यू डी वी बनी हुई थी और डब्ल्यू डी वी का कंपेरिजन होता है फेयर वैल्यू से। तो जब हमने 130 क्रेडिट किया था, यहाँ लॉस था, तो क्या 680 माइनस 130 550 फेयर वैल्यू बन गई थी यहाँ। तो यहाँ बन रही थी, वहां क्यों नहीं बन रही? वहां कहीं इसलिए तो नहीं कि वहां सरप्लस है इसलिए नहीं बन रही? लॉस आया तो बन जाती है, सरप्लस आया तो नहीं बनती है, ये इशू नहीं है। इशू क्या है? क्योंकि कंपैरिजन होना है डब्ल्यूडीवी का फेयर वैल्यू से। तो अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे होगा तो ऑलरेडी डब्ल्यूडीवी लेजर में होगी, आपके सरप्लस के ऐड हो जाने से या लॉस के लेस हो जाने से एसेट ऑटोमेटिकली से इस एंट्री के बाद फेयर वैल्यू तक आ जाएगा। लेकिन अगर सेपरेट लेजर्स बने हो तो प्रॉब्लम ये है कि 15 लाख कॉस्ट है, डब्ल्यूडीवी कॉस्ट है, और देयर फोर डब्ल्यूडीवी में इस A185 ने ऐड होके 14 लाख बनना है। लेजर में कॉस्ट है लेकिन इस 185 को डब्ल्यूडीवी में ऐड होके कॉस्ट फेयर वैल्यू कैसे बनना है? ये जो मैंने बात की तरफ नीचे वाली फिगर देखा था, डब्ल्यूडीवी कितनी है? ढूंढे 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 कैरिंग अमाउंट, कैरिंग अमाउंट 12,50,000, 12,15,000 सॉरी, उसमें 185 अगर ऐड हो किसमें, तो क्या 14 लाख की फेयर वैल्यू बन जाएगी? तो प्रॉब्लम इज कि लेजर में इस वक्त कॉस्ट बनी हुई है, या कहते हैं कॉस्ट पड़ी हुई है। तो अभी इस केस में क्योंकि सेपरेट लेजर है, हमें डब्ल्यूडीवी बनानी पड़नी है। किन सवालों में, किन सिचुएशंस में डब्ल्यूडीवी बनी बनाई मिला करेगी? लेकिन अगर सेपरेट लेजर्स आ रहे होंगे, सेपरेट लेजर्स बने होंगे, तो हमें एसेट अकाउंट में रिवैल्यूएशन वाले दिन, रिवैल्यूएशन वाले दिन सरप्लस लॉस की एंट्री से पहले डब्ल्यूडीवी लेजर में बनानी पड़ा करेगी। तो कोई वो इशू नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स है। इन वर्ड्स पे गौर करने में बोल रहा हूँ, 15 लाख का नाम क्या है? 285,000 होना, ये क्या है? अब वो इस वक्त सेपरेट लेजर में वो काफी दूर है, 285,000 वो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब इस 285,000 से हमें मशीनरी अकाउंट में डब्ल्यूडीवी बनानी पड़ेगी रिवैल्यूएशन वाले दिन, ये समझ आती है? ताकि फिर सरप्लस और लॉस की एडजस्टमेंट होके हमारे एसेट अकाउंट में एसेट फेयर वैल्यू के बराबर आ जाए। क्या हमेशा आफ्टर रिवैल्यूएशन एसेट फेयर वैल्यू के इक्विवेलेंट आ जाएगा? देन वो सब्सिक्वेंटली डेप्रिशिएट होगा। तब इस केस में हमें अपनी कॉस्ट को डब्ल्यूडीवी में कन्वर्ट करना है। डन है सर? अब कॉस्ट को डब्ल्यूडीवी बनाते कैसे है? मैंने सिंपल फॉर्मूला पूछा आपसे, कॉस्ट में से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस अगर हो जाए तो डब्ल्यूडीवी बन जाए। एसेट अकाउंट देखें जरा, जस्ट अ मिनट, बिल्कुल सिंपल सी शायद बात हो देख पाएंगे। 15 लाख इस वक्त कहां नजर आ रहा है आपको? एसेट अकाउंट में डेबिट साइड, इसे डब्ल्यूडीवी बनाना। तो एक तरीका तो ये हो सकता है, काटा काटा, और नहीं ये क्या बात हुई, ये भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका तो कोई अकाउंटेंट के अलावा ही अडॉप्ट करेगा, पता नहीं कौन होगा। लेकिन क्या हम अकाउंटेंट्स ये हरकत कर सकते हैं? लेकिन क्या इस हरकत को किए बगैर भी आप मुझे इस कॉस्ट को डब्ल्यूडीवी में कन्वर्ट करवा देंगे? या तो ये तो ज्यादा है, ये तो नहीं होना है। अब अकाउंटेंट बनके अगर हम सोचें तो 15 लाख डेबिट साइड पे और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें से लेस होनी है। लेस होने का मतलब क्या 285,000 को क्रेडिट साइड पे आना चाहिए इस लेजर में? क्यों 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 भाजन क्यों भाजन? ताकि पहले ये डब्ल्यूडीवी बने और फिर सरप्लस और लॉस की एडजस्टमेंट से फेयर वैल्यू में कन्वर्ट हो अमाउंट। तो 285,000 किस लेजर में किस तरफ आना है?
तो एक डबल एंट्री बन रही है अगर आप हिम्मत करें तो, एसेट क्रेडिट हो रहा है, एसेट क्रेडिट हो रहा है, एसेट को क्रेडिट करना है और इस अमाउंट को कहां से उठाना है, तो पूरी डबल एंट्री क्या बन जाएगी फिर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री आप कब और किस दिन किया करेंगे, कब कब, अगर सेपरेट लेजर्स बने होंगे तो डेट ऑफ रिवेल्यूएशन पे एक एक्स्ट्रा काम कौन सा किया करेंगे, ट्रांसफर किया करेंगे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट में। दोबारा एंट्री पहले पूरी करवाएं आराम से तसल्ली से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। रेफरेंसेस पूरे होने दें, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और मशीनरी का रेफरेंस कहां आ गया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इनकी डेट बोल रहे हैं, इस एंट्री की डेट बोल रहे हैं। What is the objective of this entry on the date of revaluation? Objective, sir, the objective. To convert the asset account balance into first of all WDV and then to convert it into the fair value. ठीक है, सबसे पहले इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एक मिनट बात पूरी होने दो। 15 लाख किधर है, डेबिट साइड पे 285,000 किधर आ गए, नेट ओके कितना बन जाएगा, कैलकुलेटर उठाए एक मिनट। 15 लाख माइनस 85,000, पहले इसकी तसल्ली कर लें, ये बन गई, क्या बन गई, कैरिंग अमाउंट बन गई। अब डेबिट साइड देखें, 185 प्लस होगा या माइनस होगा, करें प्लस, क्या अब फेयर वैल्यू बन जाएगी सर। तो कौन सी एंट्री एक्स्ट्रा की हमने यहाँ, दोबारा बोले एंट्री प्लीज, accumulated depreciation debit, machinery account credit, कितने से किया करेंगे सोच के, जितनी accumulate हुई होगी, जितनी accumulate हुई होगी वो सारी से करेंगे तभी सही करेंगे अमाउंट बनेगी। सो व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन दिस केस, 2,85,000। मेरी सजेशन ये है कि पहले आप ये जो एंट्री में लिख रहा हूँ आपके सामने इस वक्त, इसको अपने पास नीचे नोट करें, नीचे जहां आपने सरप्लस की एंट्री लिखी थी, और बाद में इस एंट्री को देख के फिर खुद से अपने लेजर्स में पोस्टिंग करें प्लीज प्लीज, और काइंडली इसकी डेट भी लिखें। जी बेटा, एक ट्रांसफर एंट्री सिंपली, किसको कहां ट्रांसफर करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि एसेट अकाउंट में WDV बन जाए, और हम इतना इंटरेस्टेड क्यों हो गए अचानक के WDV बन जाए, ताकि उसमें रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट होके फेयर वैल्यू बन जाए। जी एंट्री नोट कर ली, अब पोस्टिंग करें, और जब भी कभी पोस्टिंग करें एंट्री बोल के जहन में रख के डेबिट क्रेडिट इफेक्ट्स प्लीज पोस्ट करें, अपने आप को सुनाए, वी कांट अफोर्ड दिस मिस्टेक ऑफ पोस्टिंग। बाकी फिर सरप्लस की एंट्री भी रिकॉर्ड कर लें, मेरे साथ मिल जाए, लेजर्स देख लें, जहां तक मैं पहुंच गया वहां तक इकट्ठे हो जाओ। नहीं अभी एक सीडी क्यों नहीं निकल सकता, जस्ट वंस अगेन, अभी मैंने स्टार्ट की बात की, अभी इस साल के शुरू में बात हुई है, तो जरा इस साल के डेप्रिसिएशन के बीच में आएगा। क्या ये मुलाकात रोज हो सकती है सर, कल तो छुट्टी होगी, पहले दिन ही वैसे ही हुई होगी, मेरे पता कोई बहुत इंपॉर्टेंट मसला होगा, पहले दिन से ठंडे हो रहे थे। जी मेरी किसी बात में कोई कंफ्यूजन रह गई हो सर,
डेट ऑफ रिवेल्यूशन वाले दिन अगर सेपरेट लेजर्स हैं एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन और एसेट के, तो देन रिवेल्यूएशन सरप्लस या लॉस की एंट्री के साथ साथ एक और कौन सी एंट्री में लाया करेंगे? एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, कितने से? एनी कंफ्यूजन? देन सर जी एक नीचे एक और इंफॉर्मेशन लिख लें ताकि ये करंट ईयर क्लोज हो जाए. वंस अगेन, मैंने रिवेल्यूशन किस डेट पे की है? साल के शुरू में की है. तो क्या इस साल की डेप्रिसिएशन 14 लाख पे चार्ज होगी या 15 लाख पे चार्ज होगी? आफ्टर रिवेल्यूएशन फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज 14 लाख विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का एस्टिमेट लिखना जरा नीचे कहीं जाकर. लेट्स अस्यूम रिमेनिंग लाइफ एज ऑन is suppose 7 years. Remaining life is suppose 7 years. बताएं कैसे अमाउंट कैलकुलेट करो. फिगर बोले फिगर 14 लाख फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय मेथड नहीं पता कैंडी स्ट्रेट लाइन रेजिडुअल वैल्यू नहीं पता तो जीरो. अमाउंट बन गई 2 लाख. डबल एंट्री बोले डेप्रिसिएशन डेबिट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही क्रेडिट लेजर रहता ही है. ये वाली जो एंट्री एक्स्ट्रा हुई है ये बस किस दिन हुई है? ऑन द डेट ऑफ रिवेल्यूशन, वरना सेपरेट लेजर बना हुआ है. तो ये एंड आएगा 30th June 2022. डेप्रिसिएशन डेबिट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट. Any confusion, sir? नजर नहीं आ रहा क्या? नजर नहीं आ रहा. ये 14 लाख डिवाइड बाय 7 2 लाख. नहीं सर मुझे भी पता सर यहाँ क्या हो रहा है. मैं भी इसी लगाऊ जब मेरे लास्ट लाइन वाले भाइयों को नजर आ रहा है तो सेंटर में भी तो नजर आ ही रहा हूं. डन सर फाइंड अप करें सर. सीडीज निकालने लगे सीडीज. वन सिक्स एट फाइव ट्रिपल जीरो ये हो गए. टोटल सही करें प्लीज. सीडी 14 लाख होगा. डन है. और 485 ध्यान से बैलेंस कीजिएगा. एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन सीडी सिर्फ 2 लाख ही रह जाएगा. पुरानी एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन किधर गई? वो किसके साथ नेट हो गई? कॉस्ट के साथ नेट हो गई. और सिर्फ 2 लाख क्या रह गया? सबसीक्वेंट एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन. इन फिगर्स के जरा नाम हो जाए ध्यान में रख के जरा. फिगर सॉल्व होगी. 14 लाख क्या है? नहीं ठीक है. अब नहीं इस वक्त अब कैरिंग अमाउंट चाहिए लेकिन फेयर वैल्यू है. कैरिंग अमाउंट ज्यादा बेहतर इसका फेयर वैल्यू है. कैरिंग अमाउंट शायद अभी नहीं है. सेपरेट लेजर बने में फेयर वैल्यू है सिंपली. क्लोजिंग फेयर वैल्यू है. हाँ इसकी क्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन कितनी है? 2 लाख. इसकी तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बना था. कैसे ये फिगर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मशीनरी के सामने आ रही होगी? फेयर वैल्यू 14 लाख माइनस एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन ऑफ 2 लाख इज इक्वल टू 12 लाख कैरिंग अमाउंट. एंड दिस इज कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवेल्यूएशन बेस्ड ऑन रिवेल्यूएशन मॉडल. Is it carrying amount of 12 lakh according to cost model or revaluation model? तो अगर revaluation model adopt हो जाए तो फिर fair value less accumulated depreciation की base पे carrying amount आती है. एक नजर ढूंढ के जरा देखें page number 2. कल ऐसी ही बात हुई थी.
कल ऐसे ही बात हो गई थी सर, दरमियान में देखें पेज नंबर 2 के राइट साइड पे, दरमियान में आफ्टर वैल्यूएशन फिर रिवैल्यूड अमाउंट माइनस एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन, और कौन सी एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन, सबसीक्वेंट एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन आफ्टर वैल्यूएशन, पुरानी एलिमिनेट हो जाएगी, नेट ऑफ हो जाएगा। देन सर जरा बुक जरा खोल ही लिया आप लोगों ने, एक सेकंड तो दिखाएंगे, एक छोटी सी एग्जांपल, पेज नंबर 4 पे जाना, पेज नंबर 4 के मिड से थोड़ा सा ऊपर है, अनदर एग्जांपल ढूंढना ना करें सर जी, ना करें ना करें प्लीज, नहीं मुझे पता है अभी आप और पढ़ना चाह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आप बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह आपके जज्बात का एहतराम होगा, पर एक एंट्री कर लें छोटी सी। अनदर एग्जांपल, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट बता दें कितनी है, एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन कितनी है, कैरिंग अमाउंट कितनी है, फेयर वैल्यू कितनी है, और 11 लाख और 8 लाख 3 लाख क्या है, सरप्लस है, बोर्ड पे देखे अच्छा नजर आ रहा है, अब नहीं अच्छा नजर आ रहा है, अब बुक पे देखें अब वहां अच्छा नजर आ रहा है। देखिए सर ये जो डाटा आपके सामने है, अगर फॉर एग्जांपल ये इक्विपमेंट WDV पे बुक्स में आ रहा है, WDV पे इसका लेजर बना हुआ है, तो कितनी अमाउंट आ रही होगी बिफोर रिवैल्यूएशन, 8 लाख, हिम्मत सर 8 लाख, लेजर में 8 लाख आ रहा होगा, और फेयर वैल्यू कितनी है, 11 लाख, तो हमें किसी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बस क्या एंट्री कर दें, ना करें हिम्मत करें हिम्मत करें, इक्विपमेंट डेबिट सरप्लस क्रेडिट बाय 3 लाख, और किसी एंट्री की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सपोज सेपरेट लेजर्स बने हुए, एक मिनट ऐसा ऐसा, तो फिर एसेट अकाउंट में 15 लाख आ रहा होगा, विजुलाइज प्लीज, एक्युमुलेटेड एप्रिसिएशन में 7 लाख आ रहा होगा, अलग अलग है। अब पहले इस 15 लाख को 8 लाख बनाना है, किसको कहां ट्रांसफर करना है, आप इस कॉन्टेक्स्ट में जरा दो एंट्रीज लिखें अपने हाथ से भी जरा साइड पर, सेपरेट लेजर के कॉन्टेक्स्ट में पहली एंट्री क्या बनी, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट और एसेट के नाम बदलो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट कितने से, जितना एक्यूमुलेट बैलेंस हो चुका है बाय रुपीज 7 लाख, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एंट्री, 15 लाख 7 लाख से नेट होके 8 लाख जब बन जाएगा तो हम अब रिलैक्स हैं, अब क्या हो गया काम, बस क्या रहेगा, सॉरी इक्विपमेंट डेबिट सरप्लस क्रेडिट बाय रुपीज 3 लाख, सेपरेट लेजर का सिचुएशन है, तो ये फर्स्ट एंट्री ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एज इट इज हमेशा हुआ करेगी, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट जो भी एसेट का नाम है, जितनी अमाउंट एक्युमुलेट हुई है ऐसे ही सर। लेकिन जो दूसरी एंट्री है ये डिपेंड करेगा कि सरप्लस है तो एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और अगर लॉस है तो लॉस डेबिट एसेट, क्या ये वाली एंट्री सेपरेट लेजर अगर है एक्युमुलेटेड अप्रिसिएशन और एसेट के हमेशा सेम रहेगी, ऑन द डेट ऑफ रिवेलेशन ये हमेशा सेम रहेगी, सेकेंड एंट्री में सरप्लस भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, नहीं समझ आई मेरी बात, फर्स्ट एंट्री की जरूरत कब नहीं है, अगर ऐसे अकाउंट WDV पे है तो फर्स्ट एंट्री की कोई सेंस नहीं है, ऑलरेडी WDV बनी हुआ करेगी, हमें सिर्फ सरप्लस और लॉस का डिसीजन लेना है। लेकिन अगर सेपरेट लेजर है तो ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड इक्विपमेंट या एसेट या मशीनरी जो भी है वो क्रेडिट हो जाए। अब जरा वापस जाए वो जो हेडिंग थी जिसकी बेस पे ये दो एग्जाम्पल्स हुई हैं, उस हेडिंग को जरा एक दफा पढ़ा, ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन
ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। किसी ट्रीटमेंट का जरूरत नहीं है अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीबी पे है, वरना अगर एसेट अकाउंट कॉस्ट पे है, सेपरेट लेजर्स बने हुए हैं, तो आप ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट एंट्रीज में ले आया करेंगे। एनी कंफ्यूजन सर? एक नजर देख लें जितना भी हुआ आज, और अल्हम्दुलिल्लाह घड़ी भी देख लें, टाइम हमारी तरफ है। सर सर फट रहा है, अगर हम ये टाइम जेन से निकाल दें तो रिवीजन हो सकती है। एक मिनट पढ़े, चेक करते हैं कितना देर सर दर्द हो रही है। बच्चे ऐसे अगर पढ़ने वाले हो ना तो टाइम का पता नहीं चलता। सर जी अगर इसी चीज का नाम रिवीजन है तो कुछ और कर लेते हैं। एक नजर काइंडली रिवाइज कीजिएगा जो आज किया सारा, रजिस्टर देखें सर प्लीज। ठीक ठाक काम नहीं हुआ, बस थोड़ा सा ही हुआ। सती जाने दे गुस्सा यार, ये कौन सी रिवीजन है? ये तो लग रहा है सारी सारी अकाउंटिंग रिवाइज कर लेनी है आप लोगों ने डॉक्यूमेंट में। किसी जगह कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन जेन में आता हूं? यहां तक जो हमने बातें की हैं उनके एक शॉर्ट समरी सुने सर। रेडी है सर? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू को कंपेयर किया जाता है। फेयर वैल्यू अगर ज्यादा है तो सरप्लस है, और अगर फेयर वैल्यू कम है तो लॉस है। फर्स्ट टाइम अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस है तो एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, सरप्लस बिकम्स पार्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर शेयर कैपिटल एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। मींस से यहां से ऑनवर्ड्स, आज से ऑनवर्ड्स अब हमें इक्विटी के तीन हेड्स का पता चल गया, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग्स। शेयर कैपिटल सॉरी प्रीमियम अभी नहीं पता चला, इंशाल्लाह कुछ दिन में पता चलेगा। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस। सॉरी फॉर द प्रीमियम, अभी आपको उसका नहीं आईडिया। देन अगर लॉस आए फर्स्ट टाइम तो रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एंड एसेट क्रेडिट, और लॉस बिकम्स पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। देन इसके बाद बात ये हुई थी कि हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी नहीं है, रिवैल्यूएशन तब होनी चाहिए जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन कैरिंग अमाउंट एंड फेयर मार्केट वैल्यू आए। बहरहाल मैंने फिर ये भी बताया था कि ये डिसीजन हमारा नहीं होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर डेटा देगा, वो अगर ये हर साल दे रहा है तो हम हर साल वर्किंग कर लेंगे, और अगर वो ईएस का गैप रख रहा है तो हम अकॉर्डिंगली सोच लेंगे। देन फिर ये बात हुई नेक्स्ट कि अगर सरप्लस का बैलेंस पड़ा है और सेम एसेट की सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन पे कोई लॉस आ जाए तो देन फिर वो लॉस पहले सरप्लस से एडजस्ट होगा। हाँ अगर लॉस ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट लॉस में जाएगी, और अगर लॉस ऑलरेडी कम है तो नथिंग विल गो टू द प्रॉफिट लॉस। बात ठीक है सर मेरी? फाइनली फिर अभी डिस्कशन ये हुई है कि अगर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा हो, एसेट अकाउंट अलहदा है, तो रिवैल्यूएशन डेट पे एक एक्स्ट्रा अकाउंटिंग एंट्री एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट की करनी पड़ेगी ताकि एसेट अकाउंट में डब्ल्यूडीबी बन सके, और अगर एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीबी पे है तो इस एंट्री की कोई सेंस नहीं। थैंक्स अ लॉट फॉर द पेशेंस, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें हिम्मत करके पूरे टाइम तक बैठना हुआ करेगा। अभी आप नौजवान जरा बच्चे बच्चे हैं, लेकिन ये एक दो तीन चार दिनों से ज्यादा हमें नहीं लग सकते बड़े होने। तो कल कितने बजे तक बैठ जाएंगे, और आज के 20 मिनट का क्या होगा? ये एक्यूमुलेट हो रहा है सर, मेरे आखिरी वर्ड में रख के जाइएगा, अल्लाह एक्यूमुलेट हो रहा है। ये डेप्रिशिएट करेंगे तो होगा, अब सिर्फ एक्यूमुलेट हो रहा है। अल्लाह हाफिज़।